हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लो एंड जनरल नॉलेज। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा डेफामेशन यानी कि मानहानि के बारे में, जो आईपी सेक्शन 499 के अंडर आता है। दोस्तों, आप अक्सर पेपर में या न्यूज़ में देखते हैं कि आज किसी ने कोर्ट में किसी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट मानहानि का दावा किया है या केस किया है। ये सुनकर आपके मन में भी कभी इस विषय में जानने की इच्छा उठी होगी कि ये मानहानि का मुकदमा क्या है या कौन कर सकता है या किसके ऊपर किया जा सकता है। दोस्तों, एक गरीब व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति तक उसकी इज्जत उसके लिए बहुत मायने रखती है। एक व्यक्ति को अपनी इज्जत बनाने में वर्षों लग जाते हैं और इज्जत गंवाने में एक मिनट ही काफी है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है, वो अपनी प्रतिष्ठा, इज्जत, ख्याति और सामाजिक सम्मान को किसी भी तरह से ठेस पहुंचने से बचा सके। साथ ही अगर कोई व्यक्ति उसकी इज्जत और शोहरत के साथ खिलवाड़ करता है तो वह उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है। किसी भी व्यक्ति की बेइज्जती करना, समाज में उसको नीचा दिखाने की कोशिश करना, उस पर कोई झूठा आरोप लगाना, झूठा बेईमान कहना, उसे गाली देना इत्यादि मानहानि केस के अंदर आते हैं। चाहे ये गाली उसके सामने दे रहे हो या इंटरनेट पर दे रहे हो, यहाँ तक कि किसी को इंटरनेट पर उल्टा सीधा कमेंट्स करना भी मानहानि के अंदर आता है। और उसके लिए आरोप लगाने वाला व्यक्ति या कमेंट्स करने वाला व्यक्ति अपराधी की श्रेणी में आता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं साइबर मानहानि यानी इंटरनेट पर किए गए मानहानि के बारे में हमारे देश में क्या कानून है उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, बहुत बार हम किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के किसी पोस्ट या वीडियो के नीचे या हम अपने खुद के पोस्ट या किसी वीडियो में बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हमारे द्वारा बिना सोचे समझे कहा गया एक वाक्य और शब्द हमारे लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि जिसके बारे में हम कह रहे हैं वो चाहे तो हमारे ऊपर मानहानि का केस कर सकता है। और इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को किसी झूठे केस में फंसाया जा रहा है और वह उस झूठे केस के बरी हो जाने के बाद वह उस केस में उसके जान मान की हानि में जितना भी उसको नुकसान हुआ है तो वह उस नुकसान की भरपाई करवा सकता है उसके अगेंस्ट जिसने उसके ऊपर झूठा केस दायर किया था। और वह आईपीसी सेक्शन 211 एंड 500 सेक्शन के अंडर उनको सजा दिलवा सकता है। इसके अलावा डेफामेशन के टू टाइप भी डिफाइन किए गए हैं, स्लैंडर और लाइबल। स्लैंडर मींस जिसमें किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को सिर्फ बोलकर ही उसकी रेपुटेशन को खराब किया जा सकता है, जैसे कि उसको गाली देना और उसको दूसरों के सामने नीचा दिखाना। और दूसरे में आता है लाइबल। लाइबल मींस किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को सिर्फ लिख कर ही उसकी रेपुटेशन को खराब किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।